अच्छा तो आपने ऑडियो प्लेयर्स तो देखे होंगे, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उनका जो स्लाइडर होता है वो कैसे काम करता है और प्ले वाला बटन कैसे काम करता है। सिंपली मैं टेम्पलेट लिख देता हूँ यहाँ पर HTML का, या मैं नेम लिख देता हूँ ऑडियो स्लाइडर, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा वेब पेज है उसके अकॉर्डिंग। तो बॉडी में सबसे पहले तो मैं एक बटन ऐड करूँगा, BTL प्ले। अच्छा मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट पे इसे एक्टिवेट कर ली, तो मैं इसे लोकल होस्ट पे ले आया हूँ। जाहिर बात है मैं प्ले करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्टाइल टैग लिख के भी डाल सकता हूँ, #BTL। चलो ऐसे कर देता हूँ। कर्सर, मुझे इसका पॉइंटर चाहिए, कर्सर पॉइंटर हो गया, अभी कुछ ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लाइडर भी तो होना चाहिए ना, तो स्लाइडर के लिए हमारे पास इनपुट एक टाइप होती है, मैं लिखता हूँ इनपुट, यहाँ पे वो टाइप मिल जाएगी। इनपुट हमारे पास रेंज होती है, यहाँ तो इनपुट रेंज होती है। इनपुट रेंज में आपको दिखा देता हूँ कैसी है ये चीज़, ये हमारा एज ए स्लाइडर काम करेगा। हाँ हम इसको कस्टम भी बना सकते हैं और हम चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो अभी इसी स्लाइडर के साथ चलते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं यहीं पे एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, हम चाहें तो यहाँ पे HTML टैग के अंदर भी स्टाइल लिख सकते हैं, चाहें तो स्टाइल टैग के अंदर भी स्टाइल लिख सकते हैं, या चाहे तो स्टाइल शीट बना के उसमें भी स्टाइल कर सकते हैं और इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। 20 हाँ, तो ये हो चुका है, इसको मैं 20 की जगह 60 कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे। तो ये स्लाइडर बन चुका है, अब सिंपली लॉजिक लिखते हैं। हाँ इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, स्लाइडर नेम हमारा बैकएंड में यूज़ होता है तो नेम की मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन लेवल पे हम नेम्स वगैरह ऐड करते हैं। अब मैं बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट टैग में सब कुछ लिख रहा हूँ। अगेन हम इसमें या तो इस पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग में सब कुछ लिख सकते हैं, या फिर हम अलग फाइल बना के .js की उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं SRC के जरिए। सिंपली मैं लेट करता हूँ BTN। सबसे पहले तो मुझे सेलेक्टर्स बनाने हैं, मतलब मैं अपने डॉक्यूमेंट JavaScript को बोल रहा हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये हमारा वेब पेज। मैं JavaScript को बोल रहा हूँ कि मुझे एक एलिमेंट चाहिए, ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बटन एक एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं चाहूँ तो इधर डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बटन भी कर सकता हूँ, उसे क्या होगा सारे बटन सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इस बटन को सिलेक्ट करना है, तो मैं एक आईडी से इसको सिलेक्ट कर लूँगा जो कि एक BTN होगा। अगेन मैं सेम काम करूंगा स्लाइडर के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्लाइडर। तो अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं तो ये दोनों सेलेक्ट हो चुके होंगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पर BTN तो हमारे पास BTN आ चुका है, अभी स्लाइडर लिखूं स्लाइडर भी आ चुका है। तो हमारे पास अगर मैं स्लाइडर की वैल्यू निकालूँ, हमारे पास इसमें ऑप्शन होते हैं स्लाइडर डॉट वैल्यू, वैल्यू इसकी 50 है। तो वैल्यू इसकी 50 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू या मैक्स वगैरह सेट ही नहीं किया। अगर मैं वैल्यू इसकी कर दूंगा 3, 4 कर दूंगा, अब मैं इसको चेक करूँ स्लाइडर डॉट वैल्यू, तो 4 आ रही है, हमें इसी के साथ खेल लें। नेक्स्ट मेरे पास ये ऑडियो है, ये वाली, इस ऑडियो को मैं इंपोर्ट करूँगा। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा ऑडियो, मैं जावा स्क्रिप्ट में ही इसको इंपोर्ट कर लूँगा। मैं लिखूँगा न्यू ऑडियो, हमारे पास मेथड होते हैं, हमें HTML में इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। मेरे पास पड़ी है ऑडियो फोल्डर में, उसमें ऑडियो स्लाइडर डॉट वेव कुछ ऐसे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल्स, ये ऑडियो फोल्डर है मेरा, ऑडियो डॉट प्ले करके दिखाऊँ,
ये हमारे पास मेथड होता है, बिल्ट इन मेथड होता है, जिससे हम कोई भी ऑडियो प्ले कर सकते हैं। अच्छा म्यूजिक हराम है। तो आपने देखा ऑडियो प्ले हो गई। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन लॉजिक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लगाना है बटन पे लॉजिक। जब भी कोई बटन पे क्लिक करें, हम इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं। इवेंट लिस्नर आप ऐसे समझ लें, हम एक डिटेक्टर ऐड कर रहे हैं। किस चीज़ का, क्लिक का। मतलब हमने जावास्क्रिप्ट को बोला है कि जब भी इस पे कोई प्ले वाले बटन पे क्लिक करे तो उसे फ़ौरन से डिटेक्ट कर लो। तो जावास्क्रिप्ट ने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया। फिर हमने बोला अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका एक फंक्शन रन कर लो। उस फंक्शन में सारा काम होगा। अब हम एक इफ एल्स लॉजिक लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये प्ले भी हो, उसी सेम बटन पे क्लिक करने पे ये पॉज भी हो। तो बहुत ही सिंपल है इफ एल्स कंडीशन। मैं अगर बोलूँगा अगर मेरी ऑडियो डॉट पॉज, जैसे हमारे पास प्ले का मेथड होता है, पॉज का भी मेथड होता है। अगर हम पॉज लिखेंगे मतलब ये ऑलरेडी पॉज हो चुकी है। अगर हम पॉज लिखेंगे तो उसको पॉज करना है। मतलब अगर हम लिखेंगे प्लेड मतलब ऑलरेडी प्लेड हो चुकी है ऑडियो, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट। अगर हम मेरी ऑडियो पोस्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट पोस्ट ही रहेगी, तो ऑडियो डॉट एक तो प्ले कर देना है। नेक्स्ट जो ब्रिटियन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसको हम इनर एचटीएमएल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। पोस्ट कुछ ऐसे कर देंगे। अब चेक करते हैं। अच्छा म्यूजिक हराम है। इस्लाम में हराम फॉर एग्जांपल अल्कोहल है या फिर म्यूजिक है, इसके बड़े अच्छा अभी प्ले तो होगी लेकिन पॉज नहीं हो रही। तो एल्स में मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है ऑडियो डॉट पॉज, इधर मुझे ये वाला फंक्शन डाल देना है सिंपली। और ब्रिटियन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल प्ले, या मैं पोस्ट भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ जो मुझे बेहतर लगे। अच्छा म्यूजिक हराम है। इस्लाम में हराम तो प्ले हो रहा है फॉर अगेन, एग्जाम्पल अल्कोहल है या पोज हो गया। अब हमारा बटन तो काम कर गया। अब हमें नेक्स्ट स्लाइडर को देखना है। स्लाइडर तो भी बहुत सिंपल है। अच्छा मैं ये वाला हटा देता हूँ, ये जो है स्लाइडर का मैं लॉजिक लिखूंगा। हमारे पास एक मेथड होता है, एचटीएमएल में मुझे जाना पड़ेगा। एक मेथड होता है, मैं वैल्यूज़ के हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। इसका एक मेथड होता है स्टेप का। स्टेप मैं वन करूँगा, मिन मैं करूँगा 0। मतलब मिनिमम हमारा क्या कितना है, मतलब कितनी वैल्यू वो 0 रहेगी, और मैक्सिमम मतलब हमारा स्टेप कितना बढ़ेगा 1। अगर इसकी वैल्यू 20 है तो 1 बाय 1 मतलब पर स्टेप 1 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप्स लेगा। अब जैसा कि मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 20, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 1 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। सॉरी मैक्स 20 मुझे करना है इसका, मैक्स 20 के मिनिमम 0 और मैक्स 20। वैल्यू हमारी डिफॉल्ट इतनी रहेगी। अब देखते हैं 1 2, मैं गिनता हूँ, मैं बल्कि 5 कर देता हूँ, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 5 कर देता हूँ, इनफैक्ट 3 कर देता हूँ। अब देखते हैं कितने स्टेप्स आगे जा रहे हैं। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। अगर मैं इस वैल्यू को 4 कर देता हूँ और इस स्टेप को मैं 2 कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। 1 स्टेप 2 स्टेप, तो कुछ ऐसा होगा। अब ना तो हम मैक्स यहाँ पे हार्ड कोड करेंगे ना वैल्यू, जस्ट हमने मिन 0 डिफाइन करना है और स्टेप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास स्लाइडर है ना, स्लाइडर हमने सेलेक्ट किया है, स्लाइडर डॉट मैक्स हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, एक मेथड होता है। हम जो स्लाइडर डॉट मैक्स है उसको इक्वल कर देंगे ऑडियो डॉट ड्यूरेशन के। मतलब ऑडियो की जो ड्यूरेशन है, ऑडियो की जितनी भी ड्यूरेशन होगी 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स, ये हमें ड्यूरेशन देता है, सेकंड्स में रिटर्न करता है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ऑडियो डॉट ड्यूरेशन हमें 52 सेकंड्स इसने मतलब रिटर्न करवा दिया। अगर मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर में लिखूँ, ऑडियो डॉट ड्यूरेशन,
ये ज़्यादा प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के आगे वाली सारी वैल्यूज हट जाएंगी, जो कि हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। कोई भी बग वगैरह आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसको मैच डॉट फ्लोर में डालना है, ठीक है। अब चेक करते हैं मैं स्टेप टूल को, थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अच्छा, म्यूजिक हराम है इस्लाम में, हराम फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, मतलब अब इसकी मैक्स देखते हैं। इसकी स्लाइडर डॉट मैक्स, तो हमारे पास स्लाइडर डॉट मैक्स 52 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? अब हमारा ये जो है, ये जो ये स्लाइडर साथ साथ मूव भी तो अच्छा, करना चाहिए। म्यूजिक हराम है इस्लाम। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट मुझे 0 रखनी चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वैल्यू 0 रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर करना ये है कि स्लाइडर की जो वैल्यू है उसको इज इक्वल कर देना है ऑडियो डॉट करंट टाइम का। हमारे पास एक फंक्शन होता है कि करंट टाइम क्या चल रहा है अभी। अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं, ऑडियो डॉट करंट टाइम तो 0। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अच्छा, म्यूजिक हराम है इस्लाम में, हराम फॉर एग्जांपल अल्कोहल है या फिर म्यूजिक है, इसके बड़े नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपका आईक्यू लेवल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर। तो आपने देखा है कैसे अपडेट हो रहा था। तो हमें इसी को यूज़ करना है। स्लाइडर डॉट वैल्यू इज इक्वल, अब मैं स्लाइडर डॉट वैल्यू भी देख लेता हूँ। स्लाइडर डॉट वैल्यू जो कि 0 रही, जो कि 0 रही। क्यों? हमारा लॉजिक भी ठीक था। इसमें इश्यू क्या होगा? क्योंकि करंट टाइम हमारा बार बार अपडेट हो रहा है, लेकिन जो स्लाइडर वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रही, वो जस्ट वन टाइम ही इसके इक्वल हो रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब हमारा कोई ऑडियो चल रही होती है वो सेकंड्स के, मतलब 1 सेकंड के बाद आगे जाती है ना। अब ऐसा आपने देखा है कि हाफ सेकंड के बाद हमारा स्लाइडर आगे जा रही है या फिर ऑडियो आगे जा रही है, मतलब जो नीचे हमारे पास टाइम आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है सेट इंटरवल। हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कितने टाइम बाद, कितने मिली सेकेंड्स के बाद हमें इसको रन करना है। हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब हर 1 सेकेंड के बाद हमारा ये फंक्शन रन होगा और ये इसके अंदर आएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, म्यूजिक हराम है इस्लाम में, हराम फॉर एग्जांपल अल्कोहल है या फिर म्यूजिक है, इसके बड़े नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपका आईक्यू लेवल जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये आपके जो आपके इन योर आपके ब्रेन में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय। अच्छा, तो यहां तक तो हमारा लॉजिक बन गया, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर मैं चाहूं तो इसको एक एक्स्ट्रा चीज भी बना सकता, तो वो इस वीडियो में मैं नहीं बना रहा क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जो कि मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अवेलेबल होगी। तो अगर आपने वो वाला मेथड देखना है तो आपको नीचे लिंक, तो आप तो नीचे लिंक प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लॉजिक बिल्ड करेंगे कि अगर हम स्लाइडर पे क्लिक करें तो हमारी जो वैल्यू है वो स्लाइडर के इक्वल हो जाए और हमारी ऑडियो प्ले हो जाए, यहाँ पे प्ले लिखा आ जाए। आप चाहें तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको आप ये कोड देख सकते हैं। अगर ये आपको कोड चाहिए तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।